प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की ऑप्टिक्स पार्ट टू। पिछले लेक्चर में हमने क्रोमेटिक एब्रिविएशंस के बारे में, यानी लेक्चर नंबर 8 में 9 में हमने क्रोमेटिक एब्रिविएशंस के बारे में जाना और एक कंडीशन जानी कि उस क्रोमेटिक एब्रिविएशंस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। वहां हमने देखा था कि जब दो अपोजिट लेंस, दैट इज वन कन्वेक्स लेंस एंड अनदर इज कॉन्केव लेंस ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ एंड डिफरेंट मेटीरियल्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर, देन वी कैन फाइंड द कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म। आज हम देखेंगे कि अगर दो लेंस सेम मेटीरियल के हों और उन्हें हम कुछ डिस्टेंस पर रखें तो फिर ये क्रोमेटिक एब्रिविएशंस को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म, एक्रोमेटिज्म व्हेन टू लेंसेस ऑफ सेम मेटीरियल आर प्लेस्ड कोएक्सियल एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। क्या है बच्चों, ये जो कंडीशन सपोज कीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे कि मान लो हमारे पास एक लेंस ये है और इस लेंस को हम L1 कह देते हैं और दूसरा जो लेंस है वो है ये, इस लेंस को हम L2 कह देते हैं और ये दोनों लेंस d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है और कोएक्सियली यानी कि इनका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कोइंसाइड कर रहा है, सेम एक्सिस है और दोनों का मेटीरियल सेम है, इसका मतलब दोनों की जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो सेम है। और एक और बात, इस लेंस की जो फोकल लेंथ है मान लो f1 है और इसकी फोकल लेंथ मान लो f2 है, ये दोनों इस तरह से रखे हुए हैं तो इनकी जो जनरल इक्वेशन जो आएगी कि भाई ये एक्रोमेटिज्म, यानी कि इनमें क्रोमेटिक एब्रिविएशन ना हो, यानी कि जो भी व्हाइट लाइट रे और वो एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाए। अदरवाइज क्रोमेटिक एब्रिविएशन में क्या होता है कि द लेंस वाज इनेबल और देयर इज इनएबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट एट द सेम पॉइंट। लेकिन अगर हम इसमें एक बात देखेंगे तो ये जो कंडीशन इक्वल टू F1 प्लस F2 by 2, दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म व्हेन द टू लेंसेज ऑफ द सेम मटेरियल्स आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस कोएक्सियली। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द कंडीशन ऑफ द एक्रोमेटिज्म व्हेन द टू लेंसेज ऑफ द सेम मटेरियल प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट कोएक्सियली। फिर अब आप उसको प्रूव कैसे करेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां तैयार होता है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इसे प्रूव करने की, यानी कि इस कंडीशन को हम प्रूव कर रहे हैं। उसके लिए शुरुआत यही करेंगे, कंसीडर टू लेंसेज L1 एंड L2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस d अपार्ट कोएक्सियली। क्योंकि दोनों का मेटीरियल्स सेम है तो हम लिखेंगे जो भी चीज अब आपको यहां दिखाई दे रही है वो लिख लीजिए, लेट म्यू इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंडेक्स ऑफ मेटीरियल ऑफ लेंसेज, क्योंकि दोनों लेंस सेम मेटीरियल के हैं तो दोनों का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी सेम है। एक और पॉइंट में लिख रहा हूं यहां पर, सपोज कीजिए f एंड f डैश आर दी
focal length of a lens L1 and L2 for mean color. या अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि length, पहले हम इसी लेंस की बात, पहले हम लेंस L1 की बात कर लेते हैं. क्या कि FV and FR आर दी फोकल लेंथ फॉर मीन वायलेट एंड रेड रे ऑफ लेंस L1. यानी कि आप समझ सकते हैं आर दी फोकल लेंथ ऑफ मीन वायलेट एंड रेड रे ऑफ लेंस L. सिमिलरली FV and FR आर दी फोकल लेंथ. ये मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए और लिखते रहिए. आर दी फोकल लेंथ ऑफ मीन वायलेट एंड रेड रे रेस्पेक्टिवली फॉर लेंस एंड. और प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि हम एक रिलेशन जानते हैं कि जब दो लेंसेज एक कुछ दूरी पर रखते हैं तो इनका जो फार्मूला होता है वो यही तो होता है. मान लो इस कंबिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो एफ है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? 1/F1 + 1/F2 - B/F1 F2. अब ये जो है इसी फार्मूले को यूज करके हम पहले लेंस L1 के लिए वायलेट रे के लिए, फिर रेड रे के लिए, सिमिलरली फिर लेंस L2 के लिए भी वायलेट और रेड रे के लिए इसको ड्राइव करेंगे और फिर लेंस मेकर फार्मूले को यूज करके उनकी वैल्यूज निकाल करके और सॉल्व कर देंगे. हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी. बिल्कुल सिंपल वे में आप इसको समझ सकते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, ना सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बड़ी हेल्प करेगा. हाँ, नोट्स आप साथ साथ बनाते रहिएगा. नोट्स का लिंक फिर भी अगर आपको चाहिए जो आपकी हेल्प कर सकता है तो आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे उसको डाउनलोड करके रखें डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के. 1/FV ये इस लेंस की होगी जो हमने आपको बताया था. इस फार्मूले को याद रखें कि 1/F = 1/F1 + 1/F2 - D/F1 F2. ये कितनी हो जाएगी? ये F1, इस पर भी F1 है, ये वायलेट कलर के लिए लिख रहे हैं, तो 1/FV - ये इसके लिए हो गया है F2 जहां लिख रहे थे, -D/FV - ये देखिए ये हमने लिख दिया. ये अब रेड कलर के लिए अगर हम लिखते हैं, फॉर रेड FR = 1/FR + ये देखिए मेरे साथ साथ FR - D/FR FR-. लेकिन अगर कोई क्रोमेटिक एब्रिविएशन नहीं होता, देखिए ये इन दोनों कलर्स को अलग अलग फोकस कर रहा है, इनकी फोकल लेंथ अलग अलग है, लेकिन अगर क्रोमेटिक एब्रिविएशन नहीं है यानी कि फॉर नो क्रोमेटिक एब्रिविएशन, तो क्या होगा कि जो वायलेट कलर की फोकल लेंथ है वही रेड कलर की फोकल लेंथ होगी, क्योंकि सारे कलर जो है एक ही जगह पर फोकस होंगे. तो इस कंबिनेशन के लिए जो दोनों कलर्स के लिए फोकल लेंथ सेम रहेगी. अगर ये है तो फिर इनका जो रेसिप्रोकल है वो भी सेम होगा. यानी कि इससे तो हम ये बात लिख सकते हैं कि 1/FV = 1/FR. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ FV and FR - इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से ये वैल्यू यहां रख दीजिए. देखिए फिर क्या लिखते हैं, यानी कि इसके स्थान पर हम लिखेंगे 1/FV + 1/FV - D/FV =
वन बाई एफ आर प्लस वन बाई एफ आर डैश माइनस डी बाई एफ आर और एफ आर डैश। ये चीज इसको हम इक्वेशन वन कह देते हैं, यानी यू जी लेंस मेकर फॉर्मूला, मेकर फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, यानी वो लेंस मेकर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन और आर वन माइनस वन और आर टू। ये तो प्यारे बच्चों ये इन दोनों लेंसेज के लिए हम इसको यूज करने वाले हैं। इस ये एफ वन बाई एफ जो है ये मीन कलर के लिए फोकल लेंथ है, तो यहां से हम वन आर वन और आर टू क्या है ये आप जानते हैं, इस लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस साइड के लिए और आर टू जो है इस साइड के लिए। यहां से हम एक पॉइंट निकाल लेते हैं, ये देखिए वन बाई आप देख रहे हैं कि वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू इट इज इक्वल टू वन बाई एफ इंटू न्यू माइनस वन, ये वैल्यूज हमने इसकी निकाल ली। अब हम इसे ये तो जनरल मीन रे के लिए है, लेकिन अगर हम वायलेट रे के लिए एल वन की बात करें तो क्या लिखेंगे, वो एफ वी इट इज इक्वल टू ये कितना होगा आप समझ सकते हैं, कितना होता है आप जानते ही हैं, म्यू वी माइनस वन यही फॉर्म हम लिख रहे हैं इंटू वन और आर वन माइनस वन और आर टू। ये हम वायलेट कलर के लिए एल वन लेंस की जो फोकल लेंथ है वो निकाल दी। यहां पर वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू की ये वैल्यू आप लिख सकते हैं, यानी कि वन बाई एफ वी इट इज इक्वल टू म्यू वी माइनस वन डिवाइड बाई एफ इंटू म्यू माइनस वन, ये वैल्यू वही आप देख रहे हैं कि वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू की जो वैल्यू है वो ये हो गई। ये हमने किसके लिए निकाला है, एल वन लेंस के लिए वायलेट कलर के फोकल। सिमिलरली फॉर रेड कलर के लिए ये कितनी होगी, यानी कि हम वन बाई एफ आर की वैल्यू, सिमिलरली मैं इसकी बात करते रहता हूं यहां पर, ये आपको अलग से करने की जरूरत नहीं रहेगी, वन बाई एफ आर कितना हो जाएगा ये देखिए म्यू आर माइनस वन डिवाइड बाई एफ इंटू म्यू माइनस वन, ये हमने इनकी वैल्यू निकाल दी है। अब हम लेंस एल टू की बात करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, उसके लिए ये जो मीन कलर की फोकल लेंथ कितने ली थी हमने म्यू डैश, और इनको हम क्या कर देंगे यहां पर आर डैश आर डैश, क्योंकि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मानो इसकी आर वन डैश है इसकी आर टू डैश है, तो ये हो जाएगा, तो यहां पर ये होगी, ये देखिए आप खुद ही देखिए ये मैं किसके लिए ले रहा हूं, लेकिन मैंने म्यू सेम लिया है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्योंकि दोनों ही लेंसेज का सेम है इसलिए म्यू पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये वन बाई एफ डैश की यानी ये वन बाई एफ डैश की जो वैल्यू ये आ गई, तो वन बाई आर वन डैश वन बाई आर टू डैश की वैल्यू ये हो गई। तो अब आप देखिए यहां पर अब हम इसी तरीके से बताइए वन बाई एफ वी डैश कितना आ जाएगा, कैन यू टेल मी, बिल्कुल वैसे ही ये इस चीज को रिपीट करते हुए हम लोग लिख पाएंगे म्यू वी डैश माइनस वन डिवाइड बाई एफ डैश इंटू म्यू माइनस वन, ये वायलेट रे के लिए हमने निकाल लिया लेंस एल टू की। इसी तरीके से हम वन बाई एफ आर डैश ये कितना हो जाएगा म्यू आर माइनस वन डिवाइड बाई एफ डैश इंटू म्यू माइनस वन। यूजिंग इक्वेशन टू यानी इक्वेशन वन बिकम्स इनकी वैल्यूज इक्वेशन टू से इक्वेशन वन में रखेंगे, इक्वेशन वन बिकम्स, तो पहले बच्चों चलिए इनकी वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं, वन बाई एफ वी ये देखिए वैल्यूज लिखते हुए पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं म्यू वी माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ इंटू म्यू माइनस वन, ये वन बाई एफ वी की वैल्यू हमने यहां रखी है प्लस वन बाई एफ वी डैश ये एफ वी डैश है म्यू वी डैश माइनस वन डिवाइडेड बाई
ये देखिए एफ डेस इंटू म्यू माइनस वन, ये वैल्यूज हो चुकी है माइनस डी डिवाइडेड बाय एफ डी, एफ डी की वैल्यू क्या है एफ एफ डेस इंटू म्यू माइनस वन का स्क्वेयर, क्योंकि देखिए हम किसकी वैल्यू रखे हैं डी तो यहां रखी दिया है, एफ वी की वैल्यू ये रखेंगे 1 बाई एफ की और 1 बाई एफ डैश की वैल्यू ये रखेंगे, तो फिर हमारे पास नीचे तो क्या हो गया एफ एफ डैश, ये तो दोनों स्क्वेयर हो जाएंगे और ऊपर जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए 1 बाई एफ के स्थान पर हमने लिखा था ये, तो यहाँ पर लिखेंगे हम म्यू वी माइनस वन इंटू, ये देखिए यहाँ पर है एफ डैश म्यू वी डैश माइनस वन, ये दोनों ही यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि हमने क्या लिखी है 1 बाई एफ और 1 बाई एफ डैश की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास ये आ गया इज इक्वल टू, ठीक ऐसे ही हमें रेड कलर के लिए भी लिखना है, तो चलिए हम यहां लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू, ये तमाम बातें अब रेड कलर की 1 बाई एफ आर ये वैल्यू है हमारे पास, तो हम इसको क्या लिखेंगे न्यू आर, थोड़ा मैथमेटिक्स है कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स हम यहाँ यूज कर रहे हैं न्यू माइनस वन, ये देखिए ये 1 बाई एफ आर की वैल्यू, अब 1 बाई एफ आर डैश की वैल्यू भी हमें लिखिए वो ये है, चलिए लिख लेते हैं प्लस म्यू आर डैश माइनस वन डिवाइड बाई एफ डैश इंटू म्यू माइनस वन, ये भी आपने यहां लिख दिया है माइनस डी इंटू वो तमाम बातें जो हम यहां लिख रहे हैं 1 बाई एफ आर, 1 बाई एफ आर डैश की वैल्यू भी लिखेंगे, तो यहां क्या लिखेंगे म्यू आर माइनस वन इंटू म्यू आर डैश माइनस वन डिवाइड बाई एफ एफ डैश इंटू म्यू माइनस वन का स्क्वायर, ये इनका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वो सेम होगा, तो यहां से मैं जो बात कह रहा हूं कि जो म्यू वी है वो म्यू वी डैश के बराबर है और जो म्यू आर है वो म्यू आर डैश के बराबर, क्योंकि दोनों का मेटेरियल हमने सेम लिया है, यानी कि अब थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, देखिए पहले ये टर्म रह रही है हमारे पास, इसको लिख देते हैं डी बाई एफ एफ डैश इंटू म्यू माइनस वन का स्क्वायर, ये तो हमने लिख दिया है, ब्रैकेट में क्या बचता है देखिए ये टर्म जब टर्म जाएगी तो यहां बचेगा हमारे पास म्यू वी माइनस वन का स्क्वायर माइनस, ये देखिए ये तो प्लस हो गया ना राइट साइड में जाके, और यहां ये क्या है ये माइनस साइन के साथ है, तो हम क्या लिखेंगे ये तो कॉमन ले रखा है नीचे वाली टर्म, तो हम लिखेंगे माइनस म्यू आर माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये टर्म हमने पहले ही कॉमन ले रखी है, आप इसको अब थोड़ा सोल्व कर दे, देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है माइनस वन प्लस वन, तो यहां पर अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि वन बाई एफ, एक टर्म और आप क्या रख ले रहे हैं कि इसमें से और इसमें से म्यू माइनस वन कॉमन है, तो क्यों ना कैंसिल कर देंगे ये म्यू माइनस वन ये म्यू माइनस वन दोनों से कॉमन आ जाएगा और इससे एक से ही कैंसिल हो जाएगा म्यू माइनस वन, और अब हम यहां लिखेंगे कि म्यू वी माइनस म्यू आर, ये बच गया ऊपर और नीचे बच रहा है एफ प्लस, ये देखिए यहां पर भी म्यू वी माइनस म्यू आर और नीचे बच रहा है एफ डैश, ये भी हमने लिख दिया है इज इक्वल टू डी बाई एफ एफ डैश इंटू, एक टर्म तो बच रही है म्यू माइनस वन इंटू, आप इसको सॉल्व कर दीजिए हम इसे कैसे करेंगे म्यू वी का स्क्वायर प्लस वन माइनस टू म्यू वी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस म्यू आर का स्क्वायर प्लस वन, जब इसको प्लस वन करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा और प्लस टू म्यू आर टू लेंथ ऑफ सेम मेटीरियल आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इन दोनों में से ये टर्म को मना रही है यानी कि म्यू वी माइनस म्यू आर, ये जब कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है इसमें बचता है 1 बाई एफ प्लस 1 बाई एफ डैश और इट इज इक्वल टू, इसमें भी देखिए सॉल्व कर दीजिए ये 1 से 1 कैंसिल हो गया है और हम इसे लिखेंगे कि म्यू वी स्क्वेयर माइनस म्यू आर स्क्वेयर, देखिए ये टर्म आप देखिए म्यू वी स्क्वेयर माइनस म्यू आर स्क्वेयर और माइनस टू इंटू, ये माइनस इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी ये था माइनस ये प्लस हो गया था, यहां हम लिखेंगे
न्यू वी और दो हमने कॉमन ले लिया है माइनस म्यू आर, और अगर हम इसे प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगी, चलिए ये हमारे पास आ गया। और नीचे ये कॉमन जो आपका यहाँ है ये डी है यहाँ पर, और नीचे है एफ एफ डेल्स इंटू म्यू आर। इसको थोड़ा सा हम और सोच कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो है म्यू स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फार्मूला लग रहा है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि डी अपॉन एफ एफ डैश इंटू म्यू माइनस वन, और यहां पर देखिए म्यू बी प्लस म्यू आर इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसके स्थान पर मैंने लिखा है, और साथ में लिखा है टू इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर, म्यू बी माइनस म्यू आर। और यहां पर एफ प्लस एफ डैस डिवाइड बाई एफ एफ डैस, यहां मैंने एलसीएम ले लिया है तो ये आ गया हमारे पास, इट इज इक्वल टू इनमें से हम ऐसे लिखेंगे डी वाई एफ एफ डैस। तो यहां जो अंतर बचता है इसको हमने कॉमन ले लिया, कौन सी टर्म को, म्यू बी माइनस म्यू आर, म्यू बी माइनस म्यू आर को हमने कॉमन ले लिया। फिर अंदर क्या बचता है वो देखिए, म्यू बी माइनस म्यू आर म्यू बी प्लस म्यू आर, और ये देखिए ये माइनस टू आपने लिख लिया है। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, देखिए ये टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, हमने कैंसिल कर दी है और ये भी कैंसिल हो गई। अब हमारे पास यह मिलता है एफ प्लस एफ डैश इज इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर माइनस टू डिवाइड बाई म्यू माइनस वन। अब यहां पर एक देखने की बात है कि हम सभी जानते हैं कि ये वायलेट कलर के लिए है ये, और ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इनकी रेड कलर के लिए है, तो इन दोनों का एवरेज आप समझ सकते हैं वो किसके लिए होता है, मीन कलर के लिए होता है। यानी कि वी टेक, मेरे साथ साथ आप इसको लिखते रहिए कि ये जो म्यू बी है प्लस म्यू आर है इट अप्रोक्सीमेटली टू म्यू के बराबर हो जाएगा। तो फिर ये रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ प्लस एफ डैश इज इक्वल टू टू म्यू माइनस टू बाई म्यू माइनस वन। ये इसको फर्दर लिखिए, जो भी है गिव द कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म व्हेन द टू लेंसेज ऑफ सेम मटेरियल्स आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस कोएक्सियली ईच अदर। और क्या है ये कंडीशन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज मस्ट बी इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज टू प्रोड्यूस द कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म विच आर ऑफ सेम मटेरियल एंड प्लेस्ड कोएक्सियली ईच अदर। तो प्यारे बच्चों देखा आपने कि ये थी हमारी एक तरह से, आपने यहां इस रिजल्ट को देखा, दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म। और नेक्स्ट क्योंकि लेंस के ऑफ भी डिफेक्ट्स हैं, हम मोनोक्रोमेटिक एबरेशन की बात करेंगे कि अगर चलो सिंगल कलर की लाइट है लेकिन फिर भी लेंस में और कौन से डिफेक्ट्स हैं और उनको हम कैसे रिमूव करते हैं, वो आने वाले जो हमारे लेक्चर होंगे उनके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और अपनी नोट्स खुद बनाते रहिए, कहीं कई बार क्या होता है कि हमें कुछ लिखना होता है आपको समझाने के लिए, मेरा ध्यान आपकी तरफ रहता है तो कुछ पॉइंट्स इक्वेशंस हम कैंसिल कर देते हैं तो फिर भी खुद दिक्कत आती है, इसलिए अपनी नोट्स जो है हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी दे करके उसे डाउनलोड करके जरूर रखें। अगर कोई पॉइंट कोई इक्वेशंस आपको देखनी हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बेटर स्कोरिंग के लिए दोनों कम्बिनेशन पूरा वीडियो पूरा ढंग से देखें और अपने हैंड रिटन नोट्स को जो यहाँ मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वही आपको लिख करके उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे सभी तरह के एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि एब्रिएशंस ऑफ लेंस यानी डिफेक्ट ऑफ लेंस से संबंधित ही है, जिसे हम मोनोक्रोमेटिक एब्रिएशंस कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।